सोलन में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। किसान, मजदूर और कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जानकारी प्रदेशाध्यक्ष जगदीश भारद्वाज ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार प्रदेश की आम जनता का शोषण कर रही है। किसान, मजदूर और कर्मचारी इस शोषण का शिकार हो रहे हैं। उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। भाजपा सार्वजनिक उपक्रम पूंजीपतियों को बेचने में तुली है। उनको फायदा पहुंचाने के लिए विशेष नियम और कानून बनाए जा रहे हैं। यही कारण है कि महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। इसलिए भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि वे अपनी मनमानी न कर सके। अधिक जानकारी देते हुए जगदीश भारद्वाज ने बताया कि जिला सोलन में परमाणु, नालागढ़, दारलाघाट, बागा में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नए कानून लेकर आ रही है। मजदूरों को विभिन्न कानूनों के तहत संरक्षण मिलता था, लेकिन वे कानून ही बदल दिए गए, जिसकी वजह से मजदूर अपनी आवाज नहीं उठा सकता है। ऐसा ही अब किसानों के साथ किया गया है, जिसमें किसानों की छोटी छोटी भूमि पर मल्टीनेशनल कंपनियों की नजर है। उन्हें जमीन उपलब्ध करवाने के लिए 3 ऑर्डिनेंस लाए गए। अब भारत सरकार ने कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के अधीन कर उनका भविष्य अंधकारमय कर दिया है, जिसे मजदूर, किसान और कर्मचारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। यही कारण है कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध किया जा रहा है। मैं जगदीश चंद्र भारद्वाज, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक। कल की जो हड़ताल है, ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, और ये हड़ताल जो सरकार ने मजदूरों के लिए 100 वर्षों में 40 कानून, जो श्रम कानून बने थे, उन कानूनों को लेबर कोड में तब्दील कर दिया है। और वो केवल 4 लेबर कोड है, जिनको हम श्रम संहिता भी कह सकते हैं। और वो जो श्रम संहिता बनाई गई है, जो लेबर कोड अब बनाए गए हैं, वो तमाम के तमाम लेबर कोड जो है वो कारखानेदारों, पूंजीपतियों और जो कारपोरेट हाउसेज हैं उनके रक्षा के लिए बनाए गए हैं और मजदूरों के खिलाफ हैं। हमने 100 वर्षों के बलिदानों के बाद हमारे पुरखों ने, हमारे ट्रेड यूनियन लीडरों ने जेलों में जाकर, पुलिस की लाठियों के प्रहार खाकर, अंग्रेजों की जेलों में रहकर वो कानून प्राप्त किए थे। और इस सरकार ने, जो भाजपा की सरकार है, जो मजदूर विरोधी सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, जो कर्मचारी विरोधी सरकार है, वो इन तमाम कानूनों को हटाकर जो है अब इस देश के अंदर पूंजीपतियों के हित के, कारपोरेट के हित के और बड़े जो पूंजीपति हैं उनके हित के कानून बना रही है। तो हम इसका विरोध करने के लिए जो श्रम कानूनों में तब्दीली की जा रही है कारपोरेट हाउसेज के हित के लिए, और जो किसानों के लिए अभी फार्म कानून जो बनाया गया है, वो जिससे किसान लूट जाएगा, किसान अपनी जमीनें भी लूज कर जाएगा किसी समय, और उन तमाम जमीनों पर जो है कारपोरेट हाउसेज का कब्जा हो जाएगा, इस कानून के खिलाफ जो है हम ये कल की हड़ताल कर रहे हैं।